नमस्कार, मैं धारा नृत्य के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। नमस्कार, आई कीर्तना वेलकम यू टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस। भारतीय कला संस्कृति की अतुल्य संपदा को दर्शाता है ये मंच। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कथक नृत्य और कलाकार हैं डॉक्टर नंद किशोर कपोते। एज यू नो, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू ब्रिंगिंग आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिप्यूट। ओवर द इयर्स वी हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग talented and dedicated artists. One such is Dr. Nanda Kishore Kapote, Maharashtra's foremost male Kathak dancer. Dr. Nanda Kishore Kapote जो आते हैं ऐसे परिवेश से जहां संगीत व नृत्य का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। Dr. Nanda Kishore Kapote, जिनका जन्म हुआ नौकरी पेशा परिवार में महाराष्ट्र के जलगांव में और कर्मभूमि बनी महाराष्ट्र की धरती पुणे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। मेरा जन्म हुआ जलगांव में और इत्तेफाक की बात है कि उस दिन जन्माष्टमी थी और बस घर वालों ने मेरा नाम रखा नंद किशोर। बहुत छोटी सी उम्र में, 1-1.5 साल का था मैं तब, रेडियो पे गाना बजता था लागा चुनरी मिदाक मधुबन में राधिका, और मैं नाचने लगता था। मेरे ग्रैंडफादर थे असिस्टेंट कमिश्नर, तो मैं उनके साथ रहता था। एक बार मैंने गैदरिंग में नृत्य किया स्कूल में, तो टीचर बड़ी बहुत खुश हो गई। घर के पास कोई क्लास नहीं थी उस समय, हाँ लेकिन एक क्लास थी वायलिन की। तब सबसे पहले मैंने वायलिन सीखना शुरू किया। जब मैंने गोपी जी का नृत्य देखा मुझे बहुत भा गया, तब मैंने ठान लिया था कि मुझे यही नृत्य सीखना है। मैं अंदर गया, गोपी जी को मिला और गोपी जी से कहा कि मुझे आपसे नृत्य सीखना है। तो गोपी जी बोले ठीक है आ जाओ, मैं मुंबई रहता हूँ, तुम वहाँ आके मेरे पास नृत्य सीख लो। और मैं भी बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि अरे घर में तो हम लोगों का बहुत बड़ा परिवार था, हम लोग 3 भाई 2 बहनें और इतनी बड़ी फैमिली, और केवल नृत्य के लिए तो मुंबई में भेजना बहुत ही असंभव बात थी। तो बस मेरा रह गया नृत्य गोपी जी से सीखना। एक बार दादी माँ मेरी कई डॉक्टर का इलाज करने वो वहाँ जाती थी, तो वहाँ उनको घुंघरू की आवाज़ आती थी, तो उन्होंने मुझे आके घर में बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ घुंघरू की आवाज़ आती है। तो मैं दूसरे दिन वहाँ गया पता करने, और जब मैंने नृत्य देखा तो मैंने बोला अरे ये मुझे तो यही नृत्य सीखना है, क्योंकि गोपी जी का तो मैं यही नृत्य देखा था और बस मुझे यही सीखना है। और बस मैंने वहाँ नृत्य सीखना शुरू किया। बाद में पता चला वो पंडित बिरजू महाराज जी के भांजे हैं मुन्ना लाल शुक्ला, और मैं उनसे नृत्य सीखने लगा। कुछ साल मैं उनसे नृत्य सीखा, उसके बाद मैंने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मैं गया इंटरव्यू देने नेशनल स्कॉलरशिप दिल्ली। और दिल्ली गया तो वो देखा मैंने वहाँ, तो पूरे भारत के लोग वहाँ पे आए हुए थे कैंडिडेट्स, करीब तो 300 से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ थे। तो मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देके मैं पूना चला आया। फिर मैंने अपना एमकॉम शुरू किया और एक जगह मैं एक होटल में रिसेप्शनिस्ट करके वहाँ पे भी मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। लेकिन 2 महीने के बाद मुझे इंटरव्यू का कॉल आया और देखा तो मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी। उसी समय दादाजी ने मुझे कहा कि नहीं तुमको ये कुछ नहीं करना है, तुमको तो करना है, तुम्हें आईएएस बनना है, आईएएस ऑफिसर के साइड जाना है। तब मेरा मन अभी बहुत विचलित हुआ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्योंकि लगाव तो था नृत्य सीखना और ये दादाजी कह रहे थे यहाँ जाओ। लेकिन मेरे उस समय मुझे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया था और मम्मी ने किया था मेरे, तो पिताजी ने कहा कि
नहीं उसको जो जो उसको मन में को लगता है वो उसको करने दीजिए, ऐसे दादाजी को समझाया और बस मैं दिल्ली चला गया गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के पास। नृत्य के प्रति लगन और गुरुओं में गहरी आस्था के जीवंत प्रमाण हैं डॉक्टर नंद किशोर कपूते। कुछ दिन पहले कथक क्वीन सितारा जी यहाँ पे आई थी, मैं उनको सितारा दीदी कहता हूँ, और एक पूना में प्रोग्राम था बहुत बड़ा और कई हजार ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थी उस समय, तो उन्होंने मुझे रंगमंच पे बुलाया, नंदू आ जाओ, और सबके सामने उन्होंने मुझे अपने कमर से कमरबंद निकाल के मुझे पिनाया और कहा कि नंदू मैं ये तुम्हें मेरी निशानी दे रही हूँ, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तुम इस कमरबंद को देखना, इसको देख के तुम मुझे हमेशा अपने पास अपने करीब पाओगे। ये है उनका परिवार। डॉक्टर नंद किशोर जी को प्रकृति से गहरा लगाव है, उनके अंदर बसता है रमता है तो सिर्फ और सिर्फ नृत्य। नंद किशोर जी को समय समय पर अनेकों सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। गोपी कृष्ण के नृत्य को देखकर अपना पूरा जीवन ही उन्होंने कथक नृत्य को समर्पित कर दिया। टाइम मिल जाता है तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने कथक नृत्य में रिसर्च किया है और एक कथक सम्राट बिरजू महाराज किताब मैंने महाराज जी पे लिखी हुई है। मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी मेरे सब कुछ है और नृत्य ही मेरा जीवन है। तो कितना कुछ देखने और जानने को मिला ना? Wow, isn't that a great deal of work? For his contribution, the government of Maharashtra has awarded him. He has also received the Dr. Ambedkar Dalit Mitra Award. इसके बाद ही वर्ष 2014 में आपको बाल गंधर्व मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। The musical ensemble for today's performance, on tabla, Pandit Kalinath Mishra. He is an artist of international repute from the Banaras Gharana. On vocal, Sanjay Garud. On the harmonium, Shekhar Khumbojkar. Sitar by Prajakta Gujar. Flute, Azharuddin Sheikh. And the side rhythm by Surendar. आज आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्रा। हारमोनियम पर हैं शेखर कुंभोजकर। गायन में आपका साथ दे रहे हैं संजय गरुण। बांसुरी पर हैं श्री अजहरुद्दीन शेख और सितार पर हैं श्रीमती प्राजक्ता गुज्जर। सो लेट अस वॉच दिस ब्यूटिफुल कथक परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर नंद किशोर कपोते। डॉक्टर नंद किशोर कपोते विल बिगिन हिज परफॉर्मेंस बाय अ गणेश वंदना। गणेशा is the remover of all obstacles and we offer obeisance to him before beginning any work. You are watching the National Program of Dance. Sadiva Nandra Nandana
सर वेणु हसकम आइए देखते हैं कथक नृत्य कलाकार हैं डॉक्टर नंदकिशोर कपोते। He will now present a pure nritya piece. The pure nritya piece in Kathak comprises of thats, amad, utpans. Let's watch the pure nritya. Thank you.
अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं होरी, तो आइए देखते हैं होरी। कलाकार हैं डॉक्टर नंदकिशोर कपोते। आप देख रहे हैं नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम। We will now see Hori. Here, Krishna with the Gopikas enjoy the festivities of color, Holi. अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं भजन, तो आइए देखते हैं भजन। कलाकार हैं डॉक्टर नंदकिशोर कपोते। He will now present a bhajan. Here, the episode of Krishna's Makhanchori will be depicted.